स्टेज पर जल वगर पीरे तरीकत राबर शरीयत पीर सैयद तौकीरुल हुसैन शाह साहब अमीर बस्ती पंजाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीरे तरीकत राबर शरीयत और मैंने जो आज पीर साहब की फिक्री गुफ्तगू सुनी है तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हर आस्ताने से सिर्फ एक साहबजादा ऐसा चाहिए जो इतनी समझ बूझ रखता हो कम अज कम, तो इंशाल्लाह निजामे मुस्तफा फिर आगे ही रहेगा। और पीर सैयद अमीरुद्दीन सियालवी साहब मतानुल्लाह बतूले हयाती और पीर तरीकत राबर शरीयत पीर मोहम्मद यूनुस शाह हाशमी हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान डॉक्टर साकिब महमूद जोड़ा साहब हाजी शेख मोहम्मद तैयब साहब कारी मोहम्मद शफाउल्लाह साहब मोहम्मद हुसैन खान साहब और वो जो हमारे जेल में है जी उनका क्या नाम है उनका भी तो अरशद कमांडो साहब बंदा का साढ़े ही है यार पक्का लब्बैक का और जनाब सैयद जवाब हुसैन शाह साहब और अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम हसन खान साहब बहरहाल स्टेज से लेकर पंडाल के आखिर तक दाएं से लेकर बाएं तक तमाम हुजूर के गुलाम हमारा मुख्तसर तारुफ सबका यही है साहब के लाखों के बगैर कि हम सब कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के हमारा ये मुख्तसर तारुफ है और यही तारुफ अगर रहा तो इंशाल्लाह दुनिया में भी भला होगा और क्यामत में भी भला होगा। और मोमिन का तारुफ होता ही है हमने जो अपने बड़ों को देखा है वो इसी तारुफ में देखा है। हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हो ये मेरे आका मौला के गुलाम है और सहाबा के लश्कर के साथ चले मुजाहिदीन के लश्कर के साथ लेकिन अफ्रीका में ये लश्कर से बिछड़ गए किसी काम के सिलसिले में तो जब लश्कर को ढूंढने लगे तो सामने से एक शेर आ गया और शेर ने पूरी पोजीशन बनाई कि अब मैं हजरत सफीना पर हमला करूं तो शेर तो फिर आखिर शेर होता है तो आपने ये नहीं कहा कि ओए क्या बनेगा अब क्या होगा क्या होगा फरमाया या अबुल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह फरमाया जरा ख्याल से आई मैं हुजूर का गुलाम हूं और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात का कोई ऐसा जर्रा नहीं जो ये ना जानता हो मैं अल्लाह का नबी हूं कोई ये ना जानता हो मैं अल्लाह का नबी हूं। और हजरत सफीना कहते हैं जब मैंने उसको अपना तारुफ कराया ना हम भी तो यही तारुफ करा रहे हैं कि हम सब कुत्ते पाक रसूलुल्लाह यही तारुफ है ना हमारा। तो हजरत सफीना कहते हैं जब मैंने उसको तारुफ करवाया कि या अबुल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह और जरा ख्याल ना मैं हुजूर का गुलाम हूं तो कहने लगे हो जनाब एन करके ना बह गया थले और घसीटता हुआ अपने आप में मेरे को आ गया और मेरे पैर चटने लग पे ऐसा करके पैर चटन लग पाया मैं उसको क्या भाई पैर में चट मैंने दस सहाबा का लश्कर किधर गया मुजाहिदीन का लश्कर किधर गया तो कहने लगे और दो महिलाने आगे चलने लग पे और मैं उसके पीछे पीछे कहते जो लश्कर करीब आया ना जो दूर खड़ा हो गया थे मैं लश्कर जा मिलया जो मैं मुड़ के देखा थे दोवे लत्त खड़िया करके ना एन करके मैंने अलविदाई सलाम कह रहे थी
और ऐ कह रहे सी के जनाब तुसा मेरे सामने हुजूर दा नाम लिया सी, मेरी शिकायत ना लाना, मैं तुहाडा बड़ा अदब कीता। कायनात दा हर जर्रा जानदा कि हुजूर अल्लाह दे नबी है, कायनात दा हर जर्रा जानदा। और सहाबा एक बाग दे के जमान मदीना पाक दे विच, और जनाब जिन्हें इतने नहीं कटे हो जाते कोई मसला बढ़ जाए, बहुत सारे जनाब हुजूर के गुलाम जमान, सारे आले मदीना जमान, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुजरे, उन्होंने पूछा की मसला भाई मेरे गुलामों की गल है। उन्होंने कहा यार सुन ले, ए बाग विच ना ऊंट चढ़ाना है बाशी हो गया, और जड़ा जांदा उसको चक पांदा, काबू नहीं आ रहा, नकेल भी तुड़ाई भरदा, ये किसे दे काबू नहीं आ रहा, ते दरवाजा बंद कर दिता गया बाग दा, ते अंदर जनाब बाशी होया फिरदा। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोल दे, हुजूर अगे तशरीफ लै गया, दरवाजा खोल गया, सारे पिछे हुजूर अगे तशरीफ लै गया, वह ऊंट नस्ता होया आया, और उन्हें अपने लंबे लंबे होठ हुजूर के कदमों से रख दिते। साहबा ने कहा हुजूर पहले तो हुणी थोड़ी देर पहले सारे नु कटता सी, हुण जनाब ये की होया? फरमाया मेरे गुलामो कायनात दे कोई ऐसा जर्रा नहीं जड़ा ना जानदा होवे मैं अल्लाह दा नबी यार, चार टंगा ना ये जानदा हुजूर अल्लाह दे रसूल हन, ते दो टंगा ना होवे ते कलमा भी हुजूर दा पढ़े ते आखे के हुजूर दा दीन दे कुछ नहीं सकदा है जी, और कलमा भी पढ़ता होवे ते फिर एक जनाब आखे के जनाब ए दीन की देगा जी, बाग कहता ये गनीमत है कि मोमिन है खुद महरूम है यकीन, कहता दे सकता दीन लेकिन पहले यकीन पैदा कर। और ये दीन बड़ा गैरत आला, इस दीन का एक अपना निजाम है, इस दीन वास्ते जिन्हें मुठ जो देते सन ना मुठ जो, जिन्हें मुठ जो देते सन, और जिन्हें जनाब दीन के उत्ते खर्च किया, ए दीन का इतनी अजमत आला उन्होंने वापस कैसर और किसरा दी सल्तनत दितियां। बाबा जी फरमाते सन, बाबा जी फरमाते सन, इन अल्लाह नजर फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने अजल वाल देखा अपने हबीब के गुलामा तो पाकीजा दिल किसे दा नहीं पाया, उन्होंने जो दिता असी ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करिए उन्होंने मुठ जो दे बराबर नहीं, इस्लाम ने उन्होंने वापस नहीं रखिया, उन्होंने नहीं रखिया वापस लौटा दिता, ते तू ते मैं इस्लाम नु पर्ची देंगे इस्लाम सानू कुछ नहीं देगा, कैसी अजीब बात है यार, और कैसी अजीब बात है। अरे याद रखना इस्लाम का एक अपना मिजाज है, एक कहना है जरूर, एक कहना आया अबू जाल हुजूर के दर पे आ जा, क्यामत तक वास्ते अबुल हकम बन जाएगा, जे नहीं आएगा तो अबू जाल बन जाएगा, कहना आओ उतबा आओ शहबा अबू लाब आ जाओ हुजूर के दर पे बचत हो जाएगी, जो आखिर नहीं असी सरदार हाँ वडेरे हाँ, कहना ठीक है फिर जनाब कहना अबू बकर हुजूर के दर पे आ जाओ सिद्दीक अकबर बन जाओ, इस्लाम का एक मिजाज है, कहना उमर हुजूर के दर पे आ जाओ फारूक आजम बन जाओगे, उस्मान हुजूर के दर पे आ जाओगे उस्मान गनी बन जाओ, अली हुजूर के दर पे आ जाओ हैदर करार बन जाओगे, है जी ये इस्लाम का मिजाज है। और इस्लाम सरदार वडेरे सारे कहता आ जाओ हुजूर के दर पे, जो अगे आखन नहीं नहीं असी सरदार हाँ साड़ी सरदारी जानी, तो इकबाल कहता फिर इस्लाम का मिजाज की है, बिलाल अज़हब सहैब अज़रूम सलमान अज़फारिस अबू लहाब अज़ मक्का इंचे बोला जबीस, इकबाल कहता इस्लाम का फिर एक अपना मिजाज है, और बिलाल नु हबशे तो बुलांदा, सहैब नु रूम तो बुलांदा, सलमान नु फारिस तो बुलांदा, अबू लहाब नु मक्के होंदे बेगाना करके रख दिंदा, इस्लाम का एक अपना मिजाज है, इस्लाम पैरों से नहीं पैंदा, इस्लाम दावत जरूर देंदा, असी भी अज कहते फिरते हैं आ जाओ हुजूर दे दर ते, ओए दीन ने आके रहना, जे वो आखिर असी नहीं आंदे असी बड़े बदमाश हम मक्के दे और असी सरदार और रहे, इस्लाम अबू जाल नू बदर बच्चों को मरवा देंदा, इस्लाम का अपना एजाज है, उस नू किसे दा बार नहीं, उसका एक अपना ही बात है। ए मेनू दसो ऐ जड़े वड़े वड़े खान ते जिना तुरम खान ते एडे फलां फलां लबैक दे बाल भी नारा लांदे ते ऐ नुकर जवड़ जांदे, ए तुहाडा की ख्याल है, ए तुहाडा की ख्याल है भई साडी पावर है, असी जनाब सारियां गल्लां जानण दे बावजूद करण दे बावजूद अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान च बेफिक्र होके कल्ले फिरदे आ, सानू किसे दी कोई परवाह नहीं, इसका मतलब है साड़ी पावर है, नहीं नहीं नहीं, कुबत सुल्तान अमीर अजला इला और हैबत मर्द फकीर अजला इला, इकबाल कहना क्यामत तक किसे विच कुबत आ सकती वो सुल्तान होवे और सलाहुद्दीन अयूबी होवे, जे उस विच कुबत आ सकती ते ला इला अल्लाह दी पावर नाल आ सकती, और मर्द फकीर होवे बैठे व्हील चेयर ते होवे ते पूरा कुफर कमदा होवे ला इला अल्लाह दी पावर नाल आ सकती। Rasul Allah, the Prophet, the Prophet, the Prophet.
और असी मुजाहिद मिल्लत गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी नबर अल्लाह मरकदहु और साढ़े वड़े बड़े वड़े सन साढ़े वड़े वो थोड़ी सन जिन्हें अंग्रेजा के कुत्ते नवाए ये नहीं सन साढ़े वड़े अल्लाह के बंदे और साड़ी तारीख बड़ी साफ है सानू अपनी तारीख से भी शर्मिंदगी नहीं सानू अपने हाल से भी शर्मिंदगी नहीं सानू अपने माजी से भी शर्मिंदगी नहीं है वो हो रन जिन्हें बड़े ने अंग्रेजा के कुत्ते नवाए और अंग्रेजा के घोड़ी पाल मुरब्बे लैन ये तो फिर तारीख बड़ी अजीब है ना कि जिन्हें पाकिस्तान बनने वेले अपनी कुर्बानियां दी अपने घर दिते अपने आबाई वतन छोड़े और तहरीके पाकिस्तान चलाई और मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी जब माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर के सामने पेश हुए ना कहने का न्याजी मैंने आपकी तारीफ पढ़ी है आपने हमेशा तहरीकों में हिस्सा लिया है तो आप को इस जुर्म में सजाए मौत दी जाती है आप हमेशा तहरीकों का हिस्सा रहे हैं तो मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी पता है फिर मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी सन फरमाया इस तरह पगड़ी लाई अपने सिर तो पता है ना शिमला इतना तुर्रा होता सी इतना किसी ने पूछा हुजूर इतना तुर्रा किवें खड़ा रहा फरमाया ईमान के जोर ना खड़ा रहा और का देना खड़ा और आप इराक गए ना आप बजी भी बड़े सन और जनाब है जी देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं यार की शक्ल हूं और यार मैं फना हूं मैं है जी आप बड़े हसीन सन और इकबाल कहता आशकाने उसे खूबा खूब तर खुश तरो जेबा तरो महबूब तर कहता जड़े हुजूर दे आशिक बन जाते ना कायनात सब ना सोने भी बन जाते सब ना महबूब भी बन जाते और जेबो जेबाइश और आराइश उन्हें ते खत्म हो जाती फिर महाराणा अब्दुस्तार खान न्याजी एडा तुर्रा बदे होया ते जनाब इराक की पार्लीमेंट गए उठे बड़े बड़े उलमा मुशायख पूरी दुनिया के जनाब उलमा आए हुए उन्होंने कहा जनाब हर मौलवी ने इस तरह का तुर्रा पाना चाहिए अपने सिर पर अल्लामा ने क्या जनाब तारीख सात जुमले कह फरमाया सिर ते ऐसा तुर्रा रखना तो चाहिए फिर किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए ऐसा भी तारीख है असि कोई अपनी तारीफ तो शर्मिंदा वा के छुपा छुपा के मुंह आवे कि जनाब साड़ी तारीफ है हो जाए कि असि बयान नहीं कर सकते और जनाब यह नहीं कर सकते साड़ी तारीफ बड़ी सीधी है साडा हाथ अमीर उल मुजाहिदीन के हाथ च ठीक है उन्होंने हाथ अपने कायदीन के हाथ च अलामा अब्दुस्तार खान न्याजी अलामा जनाब मौलाना शाह अहमद दुरानी मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हज़ारवी के हाथ च उन्होंने हाथ हजरत मुहद्दिस आजम के हाथ च उन्होंने हाथ हजरत इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी के हाथ च ये लैर चलती चलती इमामे हुसैन तक है ठीक है जी इमामे अली मकाम का हाथ मौला कायनात के हाथ च है जी इमामे हसन के हाथ च इमामे हसन का हाथ मौला कायनात के हाथ च मौला कायनात हाथ हजरत उस्मान गनी के हाथ च हजरत उस्मान गनी का हाथ हजरत फारूक आजम के हाथ च और हजरत फारूक आजम का हाथ हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ च और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का हाथ हुजूर के कदमों पे ये साडे सिलसिला सी कोई परेशान साड़ी तारीख बड़ी जोरदार तारीख है लेकिन ले देखे ने तारीख से ये याद है जी आलमगीर जालिम था जफा कश्ता हिंदू कश्ता बस ये तारीख मैंने पढ़ाया और देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया हाँ हमारी तारीख बड़ी तारीख है वो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर कहने लगा आपको फांसी की सजा सुनाते हैं तो अल्लामा ने वो अपना जतुर्रा बांधा हुआ था ना उतार कर उसकी मेज पर रख दिया पर मैं आओ तू न्याजी को मौत से डराता है न्याजी कफन सर पर बांध के फिरता है और फरमाया तूने कहा कि न्याजी ने हमेशा तारीखों में हिस्सा लिया और तहरीकों में हिस्सा लिया तो सुन अगर न्याजी तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा ना लेता तो तू इस वक्त रेड़ी लगाकर गंडेरियां बेच रहा होता फूल लगाकर हमारे सामने ना बैठा होता ये है हमारे बड़ों की तारीख ये है हमारे बड़ों की तारीख और ये लेकिन हम वो तो थे आबा तुम्हारे बताओ तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो ये फिर मौजू ही बड़ा अजीब है और हमारे बच्चों को ये नहीं पढ़ाया गया कि क्या उन्हें अलिफ अनार और बे बकरी पढ़ाया गया और उन्हें जनाब मिस्टर चिप्स और नेल्सन मंडेला के तो मज़मून पढ़ाए गए लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि अहमदुल्ला शाह मदरासी का चांदनी चौक में सात दिन तक सर कैसे लटकता रहा क्या जुर्म था अहमदुल्ला शाह मदरासी का हुर्रियत जुर्म था और क्या जुर्म था अंग्रेज के खिलाफ जंगे आजादी में हुर्रियत जुर्म था और क्या जुर्म था ये तो नहीं बताया गया कि जनाब
जनाब सदरुद्दीन आजुर्दा को क्यों फांसी पर लटकाया गया, ये तो नहीं बताया गया कि हसरत मोहानी को जनाब 27 साल अंग्रेजों ने जनाब अपनी कैद में और जेल खानों में और जनाब कमर दौरी करके रख दी, इतनी जनाब सख्त मुशक्कत कैद की थी। ये तो नहीं बताया गया कि जनाब हजरत किफायत अली काफी जनाब जिस्म पेस्त्रियां फिरवा कर फिर नमक मर्च भर कर फिर सुबह तख्तेदार की जानब लेकर जाया गया और बूढ़ा सैयद उन्होंने कहा अब देखते हैं पांव में लर्जिश आती है, वो जो अंग्रेजों के फालतू है वो हमें बातें करेंगे, हमसे अगर पूछेंगे कि आपकी तारीख क्या है, ये जनाब चंद लबैक वाले आए हैं, चंद लबैक वाले नहीं आए, ये असल वारिसीन पाकिस्तान आए हैं जिनके बाप दादा का खून और पसीना पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल, हम वो आए बैठे हैं। और मुझे ये बताएं आज तक किसी को तकलीफ है, सिर्फ लबैक से क्यों तकलीफ है, बाकी तो पीड़ा और तफकियां और ना, बाकी तो अपने अपने रोड़े हैं। जब कोई जनाब आलम में कुफर गल करेगा पाकिस्तान के अंदर जनाब कुफर दे एजेंट गल करेंगे तो गल करेंगे लबैक वाले जनाब बड़ा खतरा बनी जा रहे हैं, की खतरा बनी जा रहे हैं, मुल्क लुट के तुसी खा गए, रेलवे तुसी बर्बाद किया, PIA तुसी बर्बाद किया, मईशत तुसा बर्बाद की, कश्मीर का सौदा तुसा किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े तुसा किए, असा की जुर्म किया, साड़ा जुर्म है वे कि असी फैजाबाद ने खत्मे नबूवत उत्ते पहरा दिता, साड़ा जुर्म है वे कि जो सारी आलम में कुफर एक साइड से खड़ा सी असी मुमताज कादरी दे नाम उसे रिसालत के मसले से खड़े सा, जो सारा मुल्क और सारी चीजें एक तरफ खड़िया सन असी नामू से रिसालत के मसले उत्ते जाना दे के कह रहे सा कि लवे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन, और जो पीर साहब ने नजरियाती और फिक्री मनहज बयान किया है, मैं मेरा मौजू फिर और था, मैंने बदल लिया इसलिए कि जरूरत है भाई कौन को इसके लिए, मैं तो समझता था सुने कौन इकबाल अब अंजुमन ही बदल गई, सुने का कौन इकबाल तेरी अब अंजुमन ही बदल गई, हाँ जी नए जमाने में तुम पुरानी बातें सुना रहे, ये तो नहीं मुँह लेकिन हमने सुनानी है भाई, हमारी ड्यूटी है, हमने आपको बताना है हालात जैसे भी हो हमने आपको पकड़कर जकड़कर हुजूर की मोहब्बत में लाकर हुजूर के दर पर लेकर जाना है, और जब उस दर पर चले गए तो फिर बनेगा क्या कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश जमान, भाई वो कोई नोए पित्तल के बने हुए थे जो हमारे बड़े थे, लेकिन आज हम बैठे हुए हैं कि जनाब हाथ पर सरसों जमेगी, हाथ पर जनाब नहीं जमेगा, ऐसे नहीं बात। अल्लामा फजले खैराबादी जंग आजादी के हीरो 1857 को अंग्रेज को किसने भगाया है भाई, हमारे बड़ों ने भगाया है यहां से, आज हम पर हुक्मरानी वो कर रहे हैं, इस पाकिस्तान की वजारत खारजा के अहदे तक अभी सबका तक वो शख्स बैठा रहा है जिसके बड़े ने 10-10 रुपए पर जंग आजादी के हीरो की और जंग आजादी की मुजाहिदीन की मुखबरियां की है, ये तो हम तारीफ बयान नहीं करते, हम कहते हैं मुल्क अपना है, वरना तो ये फट जाए बंदा कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है, पाकिस्तान बनते साथ पाकिस्तान के अंदर जनाब मीर जाफर और मीर सादत की औलादों को पहला वजीर आजम और गवर्नर लगाया गया, ये है पाकिस्तान की तारीफ, लेकिन इंशाल्लाह ये जुल्म का सूरज सदा नहीं रहेगा, अब हुजूर के दीन का सूरज तुलू होकर रहेगा, ये जुल्म की अंधेरी रात छटने को है, ये जुल्म का जनाब जबरोकार का निजाम नहीं रहेगा, हुजूर के दीन का सूरज तुलू होकर रहेगा और निस्बत नहार पर आकर रहेगा, लेकिन इसके लिए शर्त आप और मेरी मेहनत है, आप और मेरी मेहनत है, और अगर हम ये बैठे रहेंगे बैठ जा करके जनाब नहीं 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 आ जाएगा ऐसा नहीं होता, मैं एक दिन बड़ा ना मैं तो पंजाबी गल करनी मेरे कहते लोग उर्दू गल कर, मैं क्या मैं समझा नहीं पाता सही गल पंजाबी जरा खुली डुली जबान है, मैंने ना अपनी गल करके फिर उर्दू च आ जाना, एक दिन मैं बड़ा लेट सुते उठा ते बाबा जी को आया ते बाबा जी ने कह लगे किधर से, मैं जी सुता रहा फोन नहीं चुके, मैं जी वो जनाब बंद सी साइलेंट सी ते जनाब बस सुता रह गया, आपने गल सुनाई क्या कुछ नहीं, फरमाया हजरत इब्राहिम बिन अदम का ना सुने, मैं क्या सुनया, कह लगे एक दिन ना उन्होंने तलब हो गई कि या अल्लाह मैनू फकीरी दे दे, मैनू अपना राह दे दे, मैनू अपनी राह दे दे, मैं तेरी राह आ जावा, ते कह लगे कि बादशाह सन महल सुते हुए सन, रात के टाइम महल देना छत उत्ते दौड़न की आवाज आ गया,
जो जनाब उठे और उन्होंने छत चढ़ के वेख्या बंद मुंह से नकाब लिया हो कभी इधर नसी जान कभी इधर नसी जान उन्हें पकड़िया एक बंद उन्हें कहा की करते हो माल की छत से मेरे इस टाइम की करते हो रात के टाइम सहरी के टाइम उन्हें कहा जनाब ऊंट लभ रहे हैं ऐ उठ लभदे फिरदे छत उन्हें कहा उठ उन्हें कहा थोड़ा दिमाग कम नहीं करता कभी माला की छतों से भी उठ चढ़े उन्हें कहा जे माला की छतों से उठ नहीं ना चढ़े तो अंदर सुत्या सुत्या भी रब नहीं लभदा इतनी गल की बाबा जी ने इतनी गल की मेरे समझ आ गई भी सुत्या सुत्या दीन तख्ते नहीं आना इस वास्ते निकलना पैना इस वास्ते की करना पैना हां निकलना पैना दीन इम्तिहान जरूर लेंदा डाढ़े इम्तिहान लेंदा लेकिन जदों इनाम देंदा तो फिर बंदे वेखते ही रह जाते भाई थोड़े इम्तिहान पता वीर चेते भी बैठे हो घसीटिया भी जा रहे हो कभी जेल कभी थाने कभी परचे कभी फला कभी फला लेकिन इनाम दिता इन करके जनाब एम्बुलेंस बाहर निकली है इन करके सिटी रोड से हुई जनाब मुल्तान रोड तो मिनारे पाकिस्तान दाता साहब ने मुंह किया दुनिया मंजर ही व्यक्ति रह गई की बन गया बस एक ही गल है जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है तुम भी निकलो अपने आप अंदर दम खम पैदा करो और यार मैनू यह दसो 70-76-75 साल तो जिन्हें कौम लुटिया उन्होंने नारे लाद हो किसी शर्म नहीं आती वो अज डुब के मरते हैं जनाब 50 रुपए के स्टाम से जिन्हों का लीडर नस के गया हो 5 साल और असी थोड़े तो नाल जीण से भी मरण से भी औखे वेले भी सौखे वेले भी नाल खड़े रहिए उसनू बुला के फिर आखिर आवे ही आवे साडा नवाज शरीफ तो तुहानू ये मुंह चो नहीं आता आया आया दीन आया जिन्हों का लीडर 50 रुपए के स्टाम से नसया हो भी तुहानू मुंह भी खाण के लायक हैं वो गल कर लायक हैं भाई कौम के अगे भाई असा साडा जनाब लीडर है फिर अगे जिन्होंने कौम के जनाब हर शह लुट के वेच के खा गए और हर शह की तबाही ला दी वह आखन असी भी जनाब हकदार हाँ वह हकदार हम तुम निकलो अपने आप में दम खम पैदा करो सुत्या सुत्या दीन नहीं आना जोर लाना पैना बाहर निकलना पैना ए मैं दसो जे बदर शहीद हो गए उन्हां दी कुर्बानियां कबूल हो गई लेकिन अगर कोई शख्स जरा हजरत बिलाल नूं मार खांदे वेखदा सी काबे मक्के दी गलियां विच कि थले जनाब बिलाल है थले तब्दी रहे थे उत्ते सीने ते पत्थर है ते उत्ते जनाब दुर्रे लग रहे हैं ते कोई सोच सकदा सी यही बिलाल काबे दी छत उत्ते जाएगा लोग साढ़े को पुछदे दीन किवें आएगा मैं कह नहीं आएगा जिवें बिलाल काबे दी छत उत्ते आया लेकिन शर्त एक इस वास्ते मेहनत करनी पेगी की करनी पेगी ते तुसी मेहनत छड़नी नहीं सुस्तियां सारिया दूर कर दो ऐ जनाब झगड़े मगड़े सारा कुछ जड़ा है सी और टिकना तो पहले पहले सी हुण जड़ा आ गया असा ना बंदा वेखना ना वेखना असा तो इको शायद वेखनी मुहम्मद अरबी का नारा वेखना बस भाई हक ते खड़े कौन है ते हुण मैनू ये दसो सवेर तो निकल के बाहर कौन काम करेगा मैनू पता सर्दी बड़ी भाई मड़े 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 अजे भी बहुत सारे हाथ थले वन बहुत सारे हाथ थले वन अजे भी थले वन मैं वेख रहा उन्होंने हूं बस सद खड़े वन हूं लाओ ला बैग का नारा हजरत फारूक आजम तलवार लेके आए सन इस्लाम नहीं कबूल किया लेकिन ऐन करके जनाब कुरान सुनिया ऐन करके जनाब हजूर के दर के आ गए ऐन करके बड़े बड़े खिंचे हुए सर खालिद बिन वलीद अमर बिन औस बड़े खिंचे हुए कर जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम आ क्यामत तक बंदा ढह सकता और नरम पै सकता हुजूर की मोहब्बत की वजह ना पै सकता और कोई वजह नहीं हो सकती और
तुसी समझते हो ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वड्डी मंजिलां दे मुसाफरां नूं दिल भी वड्डे रखने पैंदे, वड्डे दिल रखने पैंदे तां चलदा। अजे तां यार इम्तिहान आया ही कोई नहीं। ऐ जिहड़ा कुरान है ना कुरान, ऐ जिहड़ा सहाबा दे बारे गल कीती है, हुज़ूर दे गुलामां दे बारे कीती, आले बैत दे बारे गल कीती, वलम्मा राल मुमिनून अल अहज़ाब قالوا हाज़ा मा वादा अल्लाह व रसूलु व सदक अल्लाह व रसूलु। ए बड़ी अजीब गल है के पहलियां कौमां में बकलिया व किसाया व फूमिया व अदसिया व बसलिया काला तस्तकीरुन अल्लजी वादना बिल्लजी व खैर। उन्हें जनाब पहले मनो सलवा मंगिया, उन्हें कहा नहीं मनो सलवा तो सिराज गया। सारू जनाब थोम दो ककड़ी दो जनाब गंडे दो प्याज दो सारा कुछ खा के जो तो जनाब सामने आई लश्कर आया उन्हें कहा जाओ मूसा तुसी ते तुहाड़ा रब लड़ो। असी ते जनाब मनो सलवा खाने वास्ते ते जनाब असर गंडे खाने वास्ते बैठे हुए हैं। जो तो हजूर के गुलाम सन वलम्मा रल मोमिनून अल्लाह साहब। ये बड़ी अजीब बात है, पहले खंदक खोदी फिर मिट्टी के टोकरे सिर पे चाहे। ਇਹ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਵਾ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਜਨਾਬ ਕਤਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਮ ਤਾਲੀਮ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਮਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮਿਨ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, आने फरिश्ते। लेकिन पहले खड़ा होना पैदा फिदाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को। फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। पहले जाओ तो सही, पहले बदर लाना पैदा फिर फरिश्ते आने। फिर जनाब फरिश्ते आके लेकिन शर्त है कि मोमिन बने तो सही कोई मोमिनून अल्लाह साहब। साहबा कहने हुजूर ने खुद अपने सारे अगस्ते अपने हिस्से की मिट्टी उठाई, ठीक है जी। और फिर हुजूर जाके मदीने तो बाद उसको सुट के भी आए। मैंने गल दस भाई, साहबा कहने वो गर्द गुबार इतना उड़िया कि सारा उड़ उड़ के हुजूर दे जिस्म मुबारक को छुपा लिया। हुजूर दे मुबारक जिस्म बोसे दे रहे सी वो गर्द गुबार इतना उड़िया। फिर ए तो हो गया है, फिर सामने 10,000 का लश्कर आ गया। खाने वास्ते खजूरा भी पूरी कोई नहीं, ठंडी हवा भी चल रही। देखना ठंडी हवा भी चल रही, सर्दी भी खूब है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहने इतनी सर्दी सी कि मैं जमीन ना चिमट गया कि जमीन तो मैं हरारत मिल जावे। उत्तों तो जनाब सर्द बर्फ हवा चल रही सी और हुजूर आए कहने इतनी सर्दी सी कि मैं खड़ा होकर हुजूर का इस्तकबाल भी ना कर सकिया। इतनी नकाब सी हुजूर ने पूछा फरमाया कौन? मैं कहा हुजूर हुज़ैफा। हुजूर ने कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा हुज़ैफा। फरमाया जा, जाके सामने काफिरों के लश्कर की खबर लेके आ। कहने मैं हुजूर ने दुआ दी, मैं कहा हुजूर मैं तो सर्दी नाल मरदा जा रहा। कहने हुजूर ने दुआ दी और नाल फरमाया हुज़ैफा उठे शरारत कोई नहीं करनी, बस खबर लेके वापस आ जा। कहने जब मैं उठे चलिया तो मैं एवं लगे जब मैं बाहर के मौसम चल रहा। शर्ते कोई चले तो सही, चले तो सही। जब कहने गया तो जनाब मैं देखा कि अबू सुफियान बैठे मजलिस से जनाब देख रहा है। कहने ऐन मेरे तीर के निशाने से आए तो मैं हुजूर की गल याद आ गई कि मैं उठे करना कुछ नहीं। हाँ जी, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बिना देख लेती, और कोई गैब तुझसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तो फिर जनाब मौजू ही और हो जाएगा वलम्मा रल मोमिनून अल्लाह अज़ाब। ऐसा हो गया जनाब खंदक खुद गई, सामने लश्कर आ गया और लश्कर आ गया बड़े की 10,000 लश्कर आ गया, सारे सामान उनको मौजूद। वलम्मा रल मोमिनून अल्लाह अज़ाब قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله। जब देखे ना सामने हुजूर के गुलामों ने लश्कर, क्या अल्लाह और उसके रसूल ने सच कर दिखाया कि अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया सी तोड़ा इम्तिहान लेता जाएगा। और उन्होंने फरमाया सी वला नबलु वलकुम बिशयइन मिनल खौफ वलजू वनफ्सिन मिनल अंबाल वलअनफुस वस्समरात वबशरिस साबिरीन। तानु जरूरत मांगे भूख दे के, खौफ दे के, तोड़ियां जान लेके, तोड़ा को जो कुछ है सारा कुछ जाया करके, वबशरिस साबिरीन खुशखबरी सबर करने वाले वास्ते। सारा कुछ हो गया, गज़वा खंदक भी खत्म हो गई। ए है अगली गल, गज़वा खंदक खत्म हो गई, इमामुल अंबिया अपने घर तशरीफ ले आए। ए है साडे तुहाडे वास्ते कम करने की वजह और रब मदद करदा कदों है।
غزوہ خندق ختم ہو گیا اب تانوں پتہ جنگ ختم ہوئے تے کپڑے لوازمات ہوندے کسے نو جناب تیر لگیا ہوندا کسے دا خون بہ رہیا ہوندا کسے دی پٹی ہوندی کسے دی پنڈلی ٹوٹی کسے دا کوئی جناب اس کٹیا جنگ دے پھر کپڑے لوازمات ہن جو جنگ ختم ہوئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانے اقدس تشریف لے آئے حضور نے امام مبارک اتاریا امام مبارک اتاریا اور حضور نے دائیں جانب تو سر دھونا شروع کیتا جبریل امین دروازے تے آ گیا دستک دیتی یا رسول اللہ اللہ تعالی حکم دینا کہ خیبر والے جڑے یہودی نا اے بنو قریظہ والے اے جڑے بنو قریظہ والے یہودی نا انہاں دا فیصلہ بھی نال ہی کر دے حضور نے اپنی امت نا پیار کتنا میرے آقا نے فرمایا جبریل ویکھدا نہیں اے ہنے جناب غزوہ عذاب لڑیا غزوہ خندق لڑیا اے جناب دیکھ نہیں میرے غلام زخمی حالت ہے چاہے سارا کچھ اے دیکھ کی حالت انہاں دی ہن تاں غزوہ لڑ کے انہاں کہا یا رسول اللہ اللہ حکم دیندا ہنے بنو قریظہ والے دا فیصلہ کر ہنے ہنے فورن اگے جڑا قرآن نے منظر بنیا نا او تہاڈے تے میرے واسطے کی اے بلا جدو حضرت بلال نو حکم دیتا حضور نے امامہ دوبارہ مبارک رکھ لیا سر ایک جانب سر تو گئے حضور تشریف لے آئے مسجد نبوی حضور نے حضرت بلال نو حکم دیتا فرمایا بلال اذان دیو اور بغیر نماز دے وقت تو اذان ہون دا مطلب سی کہ واپس آؤ پھر واپس آؤ کوئی لشکر دی جانے جانا کدھر پوچھ کرنا واپس آؤ اور صحابہ حضور گھر تشریف لے آئے صحابہ حضور تو بعد ہی اپنے گھر گیا ہونے بہتر ہی ہو سکتا کہ حضور نو چھڑ کے گھر ٹر گیا ہون ہاں جی آلے بیت گھر چھڑ کے چلے گیا ہون مولا کائنات چھڑ کے چلے گیا ہون حضرت عثمان غنی اور بعد چی جناب پہنچے ہونے حضور تو کوئی صحابہ گھروں دے دروازے تے کوئی رستے تے کوئی گھروں میں داخل ہوئے اور موڑے ہوتے تلوارا تیرا تے نیزے رکھے ہوئے ادھر حضرت بلال کی آواز آ گئی اے نہیں دیکھا جناب کی بنے گا اینج منہ پرتا ہے تے واپس حضور دی جانب جدو چلے نا کہ قرآن نے منظر بیان کیتا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب میرے حبیب جنہاں نوں تساں بلایا اللہ اور اس دے رسول دی راہ وچ کہ اس حال چاہے کہ انہاں دے زخم کھلے ہوئے سن انہاں پٹیاں بھی نہیں کیتیاں کہ یار پٹی کر کے جانے ہیں جنگ وچ جانا بعد جو جانے ہیں انہاں پٹیاں بھی نہیں کیتیاں زخموں جو خون تے پی پی رہی او تہاڈی جانب چل پے تے جبریل امین نے جدوں اے منظر دیکھا نا تے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی حکم فرماندا بس تہاڈے غلاماں دا اتنا ہی اظہار وفا ویکھنا سی تہاڈے جان تو پہلے پہلے بنو قریظہ والے دے قلعے ہلا دینا ساڈے فرشتیاں دا کام ہے اے بات چلن دی بات اور کتنا ڈاڈا امتحان لیا اسلام نے کتنا ڈاڈا امتحان لیا اور ساڈے ورگے تے کوئی ہوندے یار پٹی تے کرا لئیے یار جناب زخمہ تے کوئی بٹوک تے رکھ لئیے کوئی جناب مرم تے رکھ لئیے کوئی کر لئیے لیکن قرآن نے منظر بیان کیتا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرح کرح دا معنی ہے کہ کھلے ہوئے زخمہ نال پھٹے ہوئے پھٹا نال اسی طرح حضور دی بارگاہ وچ تشریف لیا جدو چلے کہ حضرت جبریل امین نے عرض کی یار رسول اللہ سی انہاں دی ہمت ہی ختم کر دیں گے تہاڈے مقابلے چاں اے پھر اگے لمبا ذکر ہے پھر بنو قریظہ والے دے نال کی بنیا انہاں نال کی ہویا اے اور اے گل بھی بڑی عجیب ہے کہ جبریل امین حضور دے دروازے تے آئے کیوں اے بھی بڑی عجیب گل ہے حضرت سعد بن معاذ نو رضی اللہ عنہ جدوں تیر لگیا نا انہاں دعا کر دتی انہاں کہا یا اللہ جے تیرے حبیب دے خلاف انہاں مکے والے پھر لشکر لے کے آنا مینوں موت نہ دیویں مینو زندہ رکھی میں انہاں دا مقابلہ کرتا رہا جی انہاں نہیں آنا تو مینو موت دے دیں لیکن اے بنو قریظہ والے جنہاں تیرے حبیب نال عین جنگ قداری کی تھی انہاں دا انجام بکھائے بغیر مینو موت نہ دیں تے رب نے جبریل امین نو حضور دے دروازے تے بھیج دیتا کہ ساتھ میں موت دی دعا پوری ہو جائے میرے آقا مولا چلے جا کے جناب محاصرہ کر لیا بنو قریظہ دا اور بنو قریظہ والے جدو جناب قلعہ بند ہو گئے